गैर इशारे को इशारा प्रदान से अलग करती है। उदाहरण स्वरूप अगर जल की अगर बड़ी मात्रा में करीब 4 से 5 लीटर अपेक्षाकृत कम समय में 2 से 3 घंटे में खपत की जाती है तो वो शरीर के लिए विषाक्त होता है। इसे हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, जिसके कारण मस्तिष्क फुलाव, सेरेब्रल एडिमा, दौरा और मृत्यु भी हो सकता है। पानी की तरह अत्यंत लाभकारी विटामिन जो ऑक्सीकरण गोली या प्रति ऑक्सीकारक है, अत्यधिक मात्रा में लेने से यकृत की विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी बढ़ता है। यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं विटामिन ए हमको कई सारे पदार्थों से मिलता है, जैसे कि जो पशुओं से मिलता है, जैसे कि मांस, मछली, बटर वगैरह, और जैसे ये सब्जियां हैं, फल हैं, ज़्यादातर जो कलर सब्जियां होती हैं या फल होते हैं जिसमें कि लाल रंग ज़्यादा होता है या पीला रंग होता है, या अनेक शाक सब्जियां जो ग्रीन कलर हरे रंग की होती हैं, उनसे भी हमको विटामिन ए का होता है। सब्जियां या फलों में पाए जाने वाला हानिकारक रसायन पर्यावरण प्रदूषण, गलत ढंग से उत्पादन और प्रसंस्करण या अपनी ही लापरवाही के कारण हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ के रूप में स्वाभाविक रूप से प्रवेश करता है। एक निश्चित राशि की विषाक्तता खाद्य पदार्थों में जैसे करेला, मेथी, बैंगन, कद्दू, खीरा इत्यादि में सामान्य होता है। तथा हम सब इसके अभ्यस्त होते हैं क्योंकि इनकी मात्रा काफी कम होती है, इसी कारण इनको विभिन्न आहार के रूप में सेवन किया जाता है। ताजे फलों और सब्जियों की तुलना में क्षतिग्रस्त शाक सब्जियों में अधिक विषाक्तता होती है। आमतौर पर सब्जियों या फलों के विषैलेकरण की सक्रियता का मुख्य कारण पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक परिवर्तन, मृदा का कम पीएच, आर्द्रता और गुणवत्ता में कमी तथा इन खाद्य पदार्थों का अधिक परिपक्व और अनुचित प्रकार से भंडारण किया जाना है। नियामक संस्थाएं जैसा कि हम अपने कार्टून्स वगैरह में देखते हैं जिसमें कि जूस वगैरह या कोई भी प्रोसेस्ड फूड हमको बाजार से मिलता है, उसमें हमने अक्सर देखा है कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरी, संभावित एलर्जी आदि के बारे में उपयोगी जानकारी उपभोक्ता को प्रदान की जाती है। लेकिन विषाक्त रसायन जो कि खाद्य पदार्थों में निहित होता है या प्रसंस्करण के दौरान पैदा हुए हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। कुछ विषाक्त रसायनों की विषाक्तता भोजन पकाने के दौरान निष्क्रिय होती है, तो कहीं कम मात्रा में इन विषाक्त पदार्थों की खपत अपरिहार्य होता है। इस व्याख्यान का उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित इन विषैले रसायनों के संभावित खतरों को वर्णित किया जाए, इनसे इसके कुप्रभावों से बचा जा सके। सबसे पहले मैं मशरूम के बारे में बात करूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो स्लाइड है उसमें ये तरह तरह के मशरूम हैं जो कि खाए जाते हैं, और साथ ही साथ आप बगल में राइट हैंड साइड में जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये भी एक मशरूम है जो कि खाया जाता है, मगर ये जंगली किस्म का मशरूम है या जंगलों में पाया जाता है। कुकुरमुत्तों के बारे में हमने सभी ने सुना है, जिसको कि हम लोग टूल के नाम से भी जानते हैं, वे जहरीले होते हैं। किंतु बहुत लोगों को ये नहीं पता कि वास्तव में एक प्रकार का कुंभी है। कुकुरमुत्ता एक ब्राह्मी शब्द है जो विषाक्त कुंभियों के लिए प्रयुक्त होता है। कुंभी की विषाक्तता माइसेटिज्म के रूप में जाना जाता है, जिसका लक्षण मामूली पेट की गड़बड़ी, उल्टी से मृत्यु तक हो सकती है।
नहाने के बाद रोज परिलक्षित नहीं होते हैं। ये विष कभी कभी दिनों या हफ्तों के बाद भी शरीर के अभिन्न अंगों यानी गुर्दा यकृत आदि पर भी हमला करते हैं। खुफियों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों के घातक प्रभाव, जैसे कि आप यहाँ सामने स्लाइड पे देख रहे हैं, एमनीटा मशरूम बहुत ही हानिकारक मशरूम है। देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक या घातक है। अक्सर ये जंगलों में पाया जाता है। एमनीटा मशरूम में पाया जाने वाला एमनीटिन, ये भी एक एमनीटा मशरूम का एक प्रकार है। अक्सर हम लोगों ने जंगलों में देखा है इसको। एमनीटा मशरूम में पाया जाने वाला एमनीटिन, जो कि रसायन है, खाने के एक से तीन दिन के बाद जिगर की क्षति का कारण बनता है। इसी मशरूम में पाया जाने वाला फ्लोरोटॉक्सिन, जब घोड़े के खुर वाला मशरूम भी कहते हैं मशरूम, देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी खूबसूरती के कारण भी लोग इससे आकर्षित भी होते हैं। इस गायरोमेट्रिन, जो कि गायरोमेट्रा कुंभी में पाया जाता है, जिससे कि डिजीज होता है, जो कि आप अक्सर देखते हैं। इसी प्रकार मशरूम में अन्य कई किस्में विषाक्त होती हैं। इनमें पाया जाने वाला एगारिकीन रसायन विष है। इसको पकाने से इसकी विषाक्तता निष्क्रिय होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिबल मशरूम्स, ये खाए जाने वाले मशरूम्स हैं। और राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो आप स्लाइड को देख रहे हैं, जिसे चिकन मशरूम कहते हैं, उनको पता होगा बिल्कुल उसी की तरह ही दिखती है। दूसरी शैंड में मशरूम अपनी सुंदरता के लिए और खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट होती है। ये है अगारिकीन, जो कि रसायन ये कई मशरूमों में पाई जाती है। और ये जो पर्टिकुलर रसायन है, इसको पकाने से ये नष्ट हो जाती है। कुछ खुफियों में कम हानिकारक यौगिक होते हैं जिनके विष का उपचार हो सकता है, मगर कुछ मशरूम जैसे एमनीटा में इतने शक्तिशाली विषाक्त पदार्थ होते हैं जिसकी विषाक्तता की वजह अत्यधिक मृत्यु दर है। अन्य कारक हैं विषाक्तता के, जैसे ये मशरूम किस तरह से और भी विषाक्त हो सकते हैं अपने नेचुरल कंडीशन के अलावा भी, जैसे भंडार या बाग बगीचों में जहाँ कुंभी जाते हैं, वहां कीटनाशकों या खरपतवार नाशकों के छिड़काव के कारण भी ये विषाक्त हो जाते हैं। मशरूम कभी कभी भारी धातुओं या रेडियो धर्मी प्रदूषण करता द्वारा भी विषाक्त हो सकते हैं, जैसे चेर्नोबिल आपदा के दौरान हुआ है। क्षतिग्रस्त या सड़े हुए मशरूम का उपयोग भी भोजन को विषाक्त कर सकता है। खाने योग्य मशरूम भी विषाक्त हो सकता है यदि वो बुरा महक रहा है या उसमें फफूंद लगा हुआ है। आमतौर पर खुफियों में रेशों की अधिकता रहती है और खाने में भी ये स्वादिष्ट होते हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी में भी खाए जा सकते हैं, मगर ज्यादा खाने से अत्यधिक खाने से अपच हो सकता है, जिसे विषाक्तता का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है लकमेक का है, यानी जायफल का। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जायफल भी हानिकारक है अगर बहुत अधिक मात्रा में ली जाए। जायफल एक प्रकार की विभ्रमित या विद्यावास कराने की औषधि है, जिसे हम अपने रसोई में नियमित स्वाद के लिए मिष्ठान कस्टर्ड
केक वगैरह खाते पदार्थों में और जो लोग मीट वगैरह खाते हैं वो बिरयानी वगैरह में भी प्रिपरेशन में काफी यूज करते हैं। यह है एक प्रकार का विष है जिससे किसी की भी मृत्यु हो सकती है। कम मात्रा में इसको ग्रहण करने से शारीरिक या तंत्रिका प्रणाली को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। जायफल में मायोसिन रसायन होता है। मायोसिन विषाक्तता हृदय गति को बढ़ाता है। यह पिछली दौरा निर्जलीकरण तथा शरीर में दर्द पैदा करता है तथा बेसुध भी कर सकता है। लगभग 2 ग्राम का जायफल लेने से एम्फेटामिन के जैसे लक्षण पैदा होते हैं जिसके कारण उल्टी बुखार सरदर्द भी होता है। 7.5 ग्राम तक लेने से दौरे आने शुरू होते हैं। 10 ग्राम तक लेने से मुख्याभाग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा एक पूरा जायफल लेने से लगभग साइकोसिस जिसमें आसक्ति कयामत की भावना विभ्रांति और उत्तेजित होने की भावना से ग्रसित होना है। वायरस के तीन विषाक्तता कुछ पालतू पशुओं के लिए घातक सिद्ध हुआ है। हो सकता है कि उनके मालिकों ने कुछ बचा हुआ खाना जिसमें जायफल पड़ा हुआ हो दिया हो अपने पशुओं को जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। संभवतः ये मात्रा मनुष्यों के लिए हानिकारक ना हो जो अक्सर खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल की जाती है। जायफल विषाक्तता के 2 मृत्यु के मामले दर्ज किए गए हैं, एक 1908 में और दूसरा 2001 में। नेक्स्ट स्लाइड है सेब जो कि हम जनरली जो बीमार होता है उसके लिए ये दी जाती है और कहा जाता है डॉक्टर अवे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो इसमें पाया जाने वाला जो इसके कर्नल्स हैं यानी कि जो सीड्स हैं वो विषाक्त होते हैं। इसमें साइनाइड मौजूद होता है मगर अत्यंत कम मात्रा में और अक्सर हम इसे गलती से खा भी लेते हैं। उच्च संख्या में उपभोग करने से मनुष्य बीमार तथा मृत्यु तक को प्राप्त कर सकता है। एक सेब में मौजूद कुछ बीजें मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं होती है। सेब के बीज में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है। यह एमिग्डलिन उर्फ लेट्राइड तथा दूसरे कम और विटामिन B17 होता है। एमिग्डलिन को कैंसर अवरोधी तत्व होने का दावा किया गया है। सेब खाते वक्त बीजों में उपस्थित एमिग्डलिन आमतौर पर प्रभावित नहीं करता है क्योंकि अक्सर ये सीधे निकल लिया जाता है। बीजों को चबाने से या पाचन क्रिया के दौरान यह एमिग्डलिन विषाक्त साइनाइड के रूप में शरीर में प्रवेश करता है। एमिग्डलिन विषाक्तता के परिणाम स्वरूप खून में साइनाइड पहुंच सकता है जिससे मृत्यु तक हो सकती है। लेट्राइड की वजह से यकृत परिदलन यानी नेक्रोसिस जिसमें कि यकृत कोशिका की मृत्यु तथा न्यूरोमायोपैथी तंत्रिकाओं और मांसपेशियों की क्षति भी हो सकती है। बादाम एक अद्भुत उपयोगी बीज है जैसे कि हम लोग सब जानते हैं जिसको हम एक नट के रूप में भी जानते हैं। इसको पकाने से इसकी अद्वितीय स्वाद और उत्कृष्ट उपयुक्तता के कारण सदियों से पेस्ट्री मिष्ठान तथा अन्य भारतीय व्यंजनों में रसोई की सबसे उपयोगी सामग्री रहा है। हम सभी को ये नहीं पता है कि सबसे स्वादिष्ट और सुगंधित बादाम कड़वा बादाम होता है ना कि मीठा बादाम। ये अपनी तीव्र खुशबू की वजह से कई देशों में सबसे अधिक लोकप्रिय है मगर सबसे बड़ी समस्या है कि ये बादाम साइनाइड से भरे होते हैं। इसलिए कड़वे बादाम के उपयोग के पहले इसको संसाधित किया जाता है। इसके बावजूद कुछ देशों में जैसे न्यूजीलैंड में कड़वे बादामों की बिक्री अवैध है। हालांकि ताप कड़वे बादाम के विष को नष्ट करता है पर अक्सर
कठिनाइयों की वजह से संसाधित करके बाजारी बिक्री के लिए लाया जाता है। यहाँ मेन दक्षिण साइड में आप देख रहे हैं बेटा आमंड स्कूप फ्लेवरिंग के लिए यानी खुशबू पदार्थ है, खुशबू के लिए उपयोग किया गया है। साथ ही साथ अगर वाले स्लाइड में आप कुछ छोटे बादाम भी देख रहे हैं, ये जनरली एप्रिकॉट्स यानी खुबानी से पाए जाएंगे। ये बादाम कुछ कड़वे स्वाद के होते हैं और इसीलिए इसको पूरा पैन सामंस भी कहते हैं। कुछ अन्य विषाक्तताओं के बारे में जिक्र करना चाहूंगी, जैसे चेरी, चेरी यानी कि प्रूनस सेरोसस और उसकी अन्य प्रजातियां जैसे आड़ू हुआ, आलू बुखारा हुआ, खुबानी हुई, इनकी पत्तियों और बीजों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। इसी तरह ये आपका लथायरस सटायरस है। लथायरस सटायरस यानी मटर की प्रजाति है ये, जिसको कि एशिया और पूर्वी अफ्रीका में फसल बीमा योजना यानी इंश्योरेंस क्रॉप के तहत उगाया जाता है, जिससे इसका उपयोग अकाल या दुर्भिक्ष के दौरान किया जा सके। इन फलियों में ऑक्सिलिक एल अल्फा बीटा डाइअमीनोप्रोपियोनिक एसिड यानी ओडीएपी होता है, जिसको अगर लंबी अवधि के लिए लिया जाता है तो क्षय एवं पक्षाघात होने तक की संभावना रहती है। इसके बाद आप देख रहे हैं राजमा, जिसको कि रोज अक्सर ही हम लोग खाते हैं, यानी रेसिनुलस वल्गैरिस में लैक्टिक फाइटोहीमोग्लोबिन होता है जो पेट की गड़बड़ी करता है। राजमा को पकाने से ताप से यह विषाक्त पदार्थ नष्ट हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं आलू, जो कि रोजमर्रा की चीज है। आलू यानी सोलन ट्यूबरोसम के पत्तों और हरे रंगों में ग्लाइकोएल्कलॉइड सोलैनिन होता है, जिसका प्रकाश की उत्पत्ति में निर्माण होता है। इस तरह के तत्व के भक्षण से जिसमें सोलैनिन उपस्थित होता है, पाचन तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी तथा अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु तक हो सकती है। साथ ही साथ यही हरे आलू में एक और केमिकल पाया जाता है जिसे शैकोनिन भी कहते हैं, जो कि माइग्रेन को बढ़ाता है तथा ड्राउजीनेस भी पैदा करता है। कुछ उपयोगी बातें जैसे कि हम लोग इस तरह के विषाक्त फल ना खरीदे, जैसे फलों और सब्जियों को किसी अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें। खरीदने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वे अधिक परिपक्व हो या खराब स्थिति में ना हो। अस्वास्थ्यकर हालत में उगाए हुए सब्जियों या फलों का उपयोग ना करें। यदि फल अथवा सब्जियों का स्वाद दिखने में सही ना हो या अन्य किसी प्रकार की भिन्नता हो तो उसे फेंक दें। इन खाद्य वस्तुओं को के उपयोग के पहले इन्हें पोटेशियम परमैंगनेट या नमक के पानी से धो लें। जरूरत के अनुसार उपयोग के पहले उन्हें छील लें। फलों या सब्जियों को लंबी अवधि के लिए कटा नहीं रखना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों की उपयुक्त परिस्थितियों में भी भंडारण करें। तिक्त पसेले सब्जियों के रसों को अन्य फल या सब्जियों के रसों के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए। सब्जियां जैसे बीन्स, बैंगन, काली मिर्च, टमाटर इत्यादि जो गर्म जलवायु में पैदा होती है, इन्हें 10 डिग्री सेल्सियस पर बेहतर ढंग से भंडारित किया जा सकता है। आलू में 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। इनके अंदर प्रकाश की उपस्थिति में विषाक्त अल्कलॉइड सोलैनिन के गठन को रोकने के लिए उन्हें ठंडे और अंधेरे स्थान पर भंडारित करना चाहिए। आमतौर पर अधिकांश फल और सब्जियां 0 डिग्री पर ताजी रह सकती हैं। अब मैं कुछ अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ, जो कुछ विषैले मशरूम खाने से हुई है। पहले तो हमारे गौतम बुद्ध जी, कुछ अभिलेखों द्वारा ये माना गया है कि गौतम बुद्ध की अप्रॉक्सीमेटली 479
भी बनी है और बहुत कल्चर की वो प्रचलित भी हुई थी। उनके नृत्यों कॉर्डिनेरियस स्पीशीज योसिस मस नामक मशरूम खाने से हो गई थी। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट जो कि फारेनहाइट तापमान के आविष्कारकर्ता भी थे, तापमान पैमाने के आविष्कारकर्ता भी थे, इनके माता पिता भी नृत्य डेनियल में गलती से जहरीला मशरूम खाने से मृत्यु हो गई थी। तथा अभी एक महीने पहले एक न्यूज थी कि सीएसआईआर के डेप्टी सेक्रेटरी मिस्टर सुनील सक्सेना जी की भी लौकी के जूस पीने से मृत्यु हो गई थी। हालांकि उसका कारण ये कहा गया कि वो लौकी के जूस पीने से उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने मरने के पहले ये भी कहा था कि ये जो जूस है ये कड़वा है, फिर भी वो उसे पी लिया उन्होंने और बाद में उनको उल्टी हुई, रात की उल्टी हुई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। मगर वैज्ञानिक तरीके से इस कारण की पुष्टि नहीं हो पाई, मगर फिर भी ये हर वक्त यही कहा जाता है कि कभी भी इस तरह की जो भी फल या सब्जियाँ जिसमें कि इस तरह की भिन्नता हो, जो नेचुरल ना हो, स्वाद में भिन्नता हो, देखने में भिन्नता हो, इस तरह की फलों और सब्जियों को कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही उनके नुकसान। इतना होने के बावजूद भी हम लोग ये चाहते हैं कि खाद्य पदार्थों में जो ये नेचुरल रूप से पाए जा रहे हैं यानी फल और सब्जियों की इतनी ज्यादा उपयोगिता है, क्योंकि ये विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह से भरे हुए हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं तथा अनेक रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो अगर